मुस्कुराहट कायम रखने के लिए तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है, कभी अपनों से तो कभी जमाने से कदम कदम पर लड़ना पड़ता है। बीते 7 अप्रैल को बिहार विधान परिषद अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। मुस्कुराहट कायम रखने के लिए तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है, कभी अपनों से तो कभी जमाने से कदम कदम पर लड़ना पड़ता है। बीते 7 अप्रैल को बिहार विधान परिषद का रिजल्ट आया। जिन जिन जिलों में चुनाव हुआ था उन जिलों का MLC भी मिल गया। अगर बात की जाए तो बिहार के किसी जिले में NDA को सबसे ज्यादा धक्का लगा है, वह है सिवान जिला। हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे आखिर कैसे NDA को नुकसान हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, सिवान MLC के सीट लंबे वर्षों से भाजपा के पास था, लेकिन इस बार राजद के विनोद जायसवाल यहां जीतकर MLC बन गए हैं। NDA गठबंधन के तरफ से सिवान से मनोज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अंदर घाट इनको ले डूब चली। अंदरूनी भाजपा के लोग टिकट घोषणा होने से पहले खिलाफ ही थे। कुछ धारा नीरज तिवारी के रूप में उम्मीदवार भी तय कर लिया था, लेकिन आला कमान नकारते हुए मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया। NDA के गठबंधन के साथ ही जदयू भी खुलकर रईस खान को समर्थन कर रही थी। अगर सिवान में बात की जाए तो संसद पति अजय सिंह, जो जदयू के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं दरौंदा विधानसभा से, वहीं सिवान सांसद कविता सिंह को छोड़कर अधिकतर प्रखंड लेवल के जदयू नेता रईस खान के साथ थे। वहीं बात किया जाए तो जिस तरह से जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह लगातार शुरू से लेकर आखिरी तक रईस खान के समर्थन में अकेले खड़े थे, और जो जदयू कैडर के वोट था वो रईस खान के समर्थन में कन्वर्ट करने में सफल भी रहे थे। वहीं संसद पति अजय सिंह को देखा जाए तो जदयू कैडर का वोट मनोज सिंह के पक्ष में लाने में असफल रहे थे। इसलिए सिवान में श्याम बहादुर सिंह को बाजीगर कहा जा रहा है। इस चुनाव में पैसे के साथ साथ सरकारी ताकत भी पार्टियां झोंक दी थी। एक तरफ देखा जा रहा था तो मंत्री से लेकर संतरी तक सारे लोग अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता से लेकर 5 विधायक भी लगातार घूम रहे थे ताकि विनोद जायसवाल चुनाव जीत सके। तीसरे तरफ देखा जा रहा था कि अकेले चर्चित चेहरे श्याम बहादुर सिंह के साथ रईस खान पूरे सिवान के दौरा कर रहे थे, लेकिन मनोज सिंह की सिवान में हार से पटना आलाकमान नाराज है और समीक्षा की बात कर रहा है। वहीं रईस खान पहली बार चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर काबिज थे, इसका पूरा क्रेडिट श्याम बहादुर सिंह को जाता है। वहीं विनोद जायसवाल अपने जीत मरहूम शहाबुद्दीन साहब को बता रहे हैं, लेकिन मनोज सिंह का हार टूना पांडे ने मंगल पांडे को हार बता रहे हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268715849।